हेलो शरद हेलो आर्यन क्या हाल चाल मस्त एकदम क्या क्या किया आज मैं सबको पूछता हूँ आपको भी क्या किया आज कुछ नहीं अपना रूटीन सुबह उठो कॉलेज जाओ फिर अभी कॉलेज में अटेंडेंस लगा के आ गए तो सीन ये है कि हम गए एंटरप्रीनियरशिप का लेक्चर था थोड़ा बोर होता है हमारा तो अटेंडेंस लगाई और हम निकल के यहाँ पे आ गए पॉडकास्ट करने के लिए स्प्रूज में और कर रहे अभी और तो मैं जानना चाहता हूँ कि कनाडा में क्या चल रहा है कैसी रही लाइफ फर्स्ट सेमेस्टर गया कैसा गया क्या सीन है क्या हाल बताओ कुछ अभी सब अच्छा ही है आ, चल रहा है वैसे आए तब से नए नए एक्सपीरियंसेस एक एक आते हैं हम्म कल्चरल चेंज यू ऑब्जर्व फिर हाँ। बहुत कुछ होता है वो सब में कोप अप करने को लाइक इट्स गुड वी हैव फ्रेंड्स लाइक यू सब हाँ। अच्छे से चल रहा है चल रहा है ऐसे कुछ मेजर कुछ इफेक्ट uh, नहीं है या yeah, नहीं।, नहीं आ मुंबई आप मुंबई से हो okay. बताओ, के बताओ मुंबई के बारे में क्या थी मुंबई में लाइफ हाँ। किस पे इंटरेस्ट है एज इन कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है ये वो, वो बताइए तो मेरा बैचलर्स और मास्टर्स एडवर्टाइजिंग में ही हुआ है तो आई वाज मोर ऑफ इन फिल्मिंग एंड प्रमोटिंग और वो सब तो फिर बाद में स्टैट्स गूगल गूगल वो सब हाँ तो वैसे वैसे सराउंडिंग में रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा अप्रोच भी वैसे टाइप के लोगों से रहा है हुआ लाइक एक्सट्रोवर्ड से आई एम नॉट दैट मच ऑफ एन एक्सट्रोवर्ड पर्सनली पर ठीक है मतलब मुंबई में

है दस जगह उसमें कितनी बार जाओगे <laughs> पक जाओगे आ, फिर कॉलेज और जॉब और सब मैनेज करते हुए यू हैव टू अच्छा यू एक्चुअली डोंट गेट सम गुड क्वालिटी टाइम ऐसा कि ऑल ऑन टाइम हां एंजॉय करें हम बैठ के बस रिलैक्स करें कुछ ना कुछ हमेशा आगे रहता ही और मुझे ये होता है कि क्या-क्या कांड किए मुंबई में ठीक है जो बताने लायक हो सकता है <laughs> ना बताने लायक ही ज्यादा बहुत यार मतलब मुंबई में अच्छा रहा क्योंकि तो लाइक बहुत गुजराती दोस्त भी है पंजाबी दोस्त भी है महाराष्ट्र तो दोस्त भी है क्रिश्चियन मुस्लिम सब सब एकदम मस्त अच्छे से तो इट डिपेंड्स कि बचपन में देखेंगे तो बहुत रहे। हुँ, हुँ. Eventually, quantity कम दोस्त रहेस्त से रहे ऋषभ गुप्ता फिर ध्रुव बानुशाली बुरहान उद्दीन एरिक जॉन डेविड इतना बड़ा नाम है, है, है। तो ये सब रहा है बहुत बहुत सब किए हर किसी का कुछ ना कुछ <laughs> <laughs> रहता ही है हाँ. लेकिन मोर ऑफ हम लोग ऐसे रहता था कि बाहर जाके खाना है, खाना, हाँ. बस। खाने का गया है तो सबसे अच्छा क्या पसंद है मुझे मेरा फिक्स रहता है हाँ, कहीं भी जाएंगे हाँ. तो चिकन चिली और एग फ्राइड राइस बस वो मिलता है उधर मैं खुश हूँ मैं पूरा लाइफ निकाल सकता हूँ उधर मैं गंदा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वेज में क्या पसंद है मुझे वेज वेज ही नहीं पसंद है <laughs> तो वेज में पनीर पकौड़ा पसंद है मुझे आ ah, नाइस nice. और ऐसा मतलब फुल कोर्स मील बोलेंगे तो पाव भाजी पसंद है हुँ, हु, हुँ, सर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ऐसा ये मेरे मेरे दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड ऋषभ उसको वो वेज कोल्हापुरी पसंद है हाय 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 तो कोल्हापुरी ओहो

बड़ा काम चला हो थोड़ा हमने अहमदाबाद में मुझे याद है एक बार वेज कोलापुरी वो डोसा मंगाया था ठीक है तो मुझे लगा ग्रेवी वाला कुछ आएगा ये वो क्योंकि तभी वो ट्रेन चल रहा था कि ग्रेवी वाला डोसा और डोसा साइड में और ग्रेवी अलग से ऐसा तो साला वो ग्रेवी में मुझे वो वेजीज दे दिए जो सिर्फ वो स्टर फ्राई किए थे और कुछ नहीं किया था और मुझे वो खाना पड़ा था और लाइक मेरा गया आज मैं अरे नहीं नहीं मुंबई में ऐसे डोसा वाले ऐसे corners, corners पे बहुत सारे रहते हैं ही बोलते हैं सबको अभी नहीं। नहीं। पे वराइटी वो, वो, वो के के है कितना लोग कस्टमाइज कर सकते हैं चाइनीज डोसा मिलता है टोपी डोसा मिलता है मैसूर मैसूर मसाला यू नेम इट मैगी डोसा मिलता है जो भी रहे तुमको सब मिलता है लेकिन वो एक रहता है मतलब ऐसा सब एकदम ऐसा अबनोक्षस जी रहते हुए भी टेस्ट अच्छा रहता है उसका सब मिक्स हो जाता है लेकिन फिर भी मजा आता है क्योंकि वो लोग का एक ही ऊपर वो मसाला डालते हैं जिसमें एक्चुअली टेस्ट रहता है अरे रे अच्छा है मैं जोगेश्वरी ईस्ट में रहता हूँ ना तो काफी सब पास में हो जाता है बैंड्रा अंधेरी बैंडरा, सब आ, तो ऐसा रहता है की वहां जाके आ जाओ से टू गो प्लेसेस तो मेरे हमेशा मरीन ड्राइव और हाँ, कार्टर रोड ही रहा है नॉर्मल 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 जब तक सब बाकी दोस्तों की बंदियाँ नहीं आ गई तब तक, तक अच्छा चल रहा था सही है सही है और वट यू थिंक अबाउट अ फीमेल परस्पेक्टिव टूवर्ड्स मेल तो कितना जाना है कितना नहीं ये इन अ वे गुड वे जा रहा है इन अ वे अटॉक्सिक वे जा रहा है जो चल रहा है वो सही था जो अभी ट्रांजिशन हो रहा है ठीक है वो इक्वालिटी के नाम पे आ, जो ना, फायदे उठाए जा रहे हैं ठीक है वो क्या क्या तो आप एक्सप्लेन कीजिए आप ट्रांजिशन ये जो नया क्लब कल्चर बोलता हूँ मैं खुद इसको okay, player, okay, ये मुझे yeah. पसंद ही नहीं है ठीक है सो आई एम समवन हु इज नॉट स्मोकिंग नॉट ड्रिंकिंग सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली मेक गुड फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक्चुअली क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना अभी मैं ऐसा हूँ चलो ठीक है तो मेजोरिटी लोग एक रिफ्रेशमेंट बोलो या फिर के लिए वो सब करते तो अभी अगर मैच नहीं, नहीं।, नहीं। तो हो रहा है और उनको भी ऐसा रहता है कि हम इसको कैसे जो मुझे चाहिए नहीं क्यों एफर्ट ले। तो I I नहीं नहीं। क्लब भी जाना मुझे पसंद नहीं है मेरा ऐसा रहता है कि उठो अपना जिम विम जाओ

फास्टेस्ट बॉलीवुड से मॉडर्नाइजेशन लेकिन इसमें ना मेरा ओपिनियन है कि ये भूल रहे की फॉर जनरेश्ड वेट वी गो आउट एंड वी बी पार्ट ऑफ सोसाइटी तो अभी वेमेन आर एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट हो रहे है सब हो रहे हैं ठीक है बट वो वो फेमिनाइन क्वालिटीज नहीं जानना चाहिए हम्म उसमें से हुँ. ना उसमें ना बहुत ज्यादा ऐसा कैटेगराइज कर दिया है कि मतलब ये नहीं करेंगे हाँ, हम वो नहीं करेंगे वी आर अर्निंग सो हम वो नहीं हाँ, करेंगे हां 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 सो हाँ, हाँ, तो, मतलब ऐसे इट गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स या ठीक है क्योंकि एज अ गाय वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द अदर जेंडर नहीं तो हम और लड़कों के साथ ही रह लेते

Hmm, hmm, hmm. पर आई थिंक ये लोग ऐसा कर रहे हैं पर उनका उनका भी रीजनिंग है कि वो बोल रहे हैं कि वट एवर इवेंचुअली वी गेट अ गर्ल शी इज गोइंग टू बी लाइक आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट आई विलीज फीमेल फ्रेंड क्या है ना वेन यू गेट इन टू अर रिलेशनशिप सबसे पहला प्रोटोकॉल ये होता है कि यू एंड लाइक एज अ पेर तुम लोग एक कम्पलीट यूनिट हो एवरीथिंग अदर इज एक्सटर्नल

उट समय जैसे ये अच्छी दिखती है इसका बिहेवियर अच्छा है इसलिए मैं इसके पास जाऊंगा फिर मैं अकॉर्डिंगली अपने तरीके से इसको चेंज करूंगा ये करूंगा वो वेन गाइज आर थिंकिंग ऑफ दिसंकिंग फॉर लाइक दैट रिलेशनशिप का फ्यूचर बेटरमेंट लेकिन व्हेन गर्ल्स आर लाइक दे वो अभी का देखते हैं हाँ. और अभी का ऐसे रहता है कि द गाय कैन नॉट ब्रिंग ऐसा इमीडिएट चेंजेस आई हैव हर्ड गर्ल्स सेइंग कि मुझे वो फैमिली से प्रॉब्लम है इससे प्रॉब्लम है कि ही प्रायोरिटाइज मदर मोर ये सब देखो मदर मदर है तो द गाय इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक

जो हम देखते हैं यहाँ पे तो पता नहीं यहाँ आने के बाद लोगों के रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं कुछ गलत कर दो उसको एक टर्म दे दो कमिटमेंट इश्यूज है क्या होता है कमिटमेंट इशूज ये वो उन दोनों को पता है एक दूसरे को दोनों पसंद है इमोशन बंदी को पता है बंदा पसंद करता है सिचुएशनशिप क्या क्या अलग अलग सब टर्म्स है बस आ, देने है, को गलत चीजों को और ये सब तू जब बो, बोल रहा है मुझे मुझे ये सब मैंने देखा हुआ नजरों के सामने आ रहा है मेरे को हम बहुत बेकार रहता है, है मतलब यहाँ पे आई डोंट नो इफ मच पीपल नो अबाउट इट इट्स नॉट जस्ट कनाडा आई हैव बीन टू डिफरेंट कंट्रीज ओके मैंने देखा है व्हेन समवन इन रिलेशनशिप मूव्स आउट ठीक है

और वहां पर कुछ हुआ तो वापस आएंगे मे बी मे बी नॉट खत्म का खत्म कुछ नहीं तो ये ये सीन नहीं है सो so कि अगर तुम्हें मालूम पड़ेगा तो एज इन आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे चल क्या रहा है और आपको लगेगा कि नहीं इससे दूरी रहे इन सब चीजों से मेरे से तो नहीं मेरे से तो नहीं होगा अरे मेरे से भी नहीं होगा मैं वही बोल रहा हूँ ये सब चीजें क्यों है ना

मस्ट बी द फर्स्ट थिंग हम हम लड़कों ने भी मॉडस्टली ड्रेस करना चाहिए लाइक वाइज लड़कियों ने भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना कुछ हम हम लेकिन नहीं ये तो तुम कंट्रोलिंग हो रहे हो तुम पुराने ख्यालात हो, तुम ऐसे हो तुम भाई हम शांति से जीना चाहते हैं हमको बाहर से कलेश ही नहीं चाहिए तुमको अगर इफ यू वांट टू यू इफ यू वांट टू बी अ केओस मैग्नेट यू कैन बी प्लीज डोंट बी इन माय लाइफ यू आर कंट्रोलिंग माय लाइफ यू नो सेंटेंसेस आर दोस कंट्रोलिंग वो लोग को डिफरेंस ही नहीं पता है केयरिंग और कंट्रोलिंग में।, में हाँ। उनको कोई ऐसा मिलेगा ना कि मतलब वो पूछता ही नहीं है सामने से भागेगी हाँ, उसके तो, पास हाँ, पता नहीं क्यों इतना अटेंशन एज अ गर्ल यू यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अटेंशन ठीक है 100% तुमको क्यों वो सब करना एंड आई हैव सीन यहां पे काफी अच्छी लड़कियां भी है व्हिच व्हिच पुट्स अस इन अ डिल्यूजनल सिचुएशन के मतलब क्या है ये मतलब अगर ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट कर रही है ठीक है और ये अपने दूसरे एक्सट्रीम लोग भी है इधर तो ये ये ब्लेंड कैसा है एंड दे विल नेवर बी फ्रेंड्स ये भी देखना ये जो ऐसे ऐसी टाइप की थोड़ी कंजर्वेटिव थोड़ी रिजर्व ऐसे लड़कियां होती है ना वो इंटेलेक्चुअली काफी स्मार्ट स्मार्ट बहुत डिसीजन मेकिंग में भी सही होती है सही। और यू कैन एक्चुअली हैव कॉन्फिडेंस ऑन देम फ्यूचर सिक्योरिटी वगैरह के सवाल उधर पैदा नहीं होते मैच्योरिटी होती है। क्या, में है क्या और तुमको क्या करना है इवेंचुअलीयर ऑफ ये और तुमको इस टाइम जो मिला है उसमें पैसा कमाना है और थोड़ा घूम फिर लेना है ठीक है ये सब क्या फालतू केस में पढ़ा रहते हैं लोग मुझे समझता नहीं वो ये कर रहा है ये जो कंपैरिजन करती है ना ये लड़की हाय 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 उसकी बात मत बाहर निकाल लो ब्रो <laughs> उसी में सारा प्रॉब्लम है क्यों कंपेयर करना इफ यू आर विद समवन यू आर देयर फॉर सम स्पेसिफिक रीजन ठीक है बिकॉज़ वी लव दैट पर्सन फिर तुम दूसरे से कंपेयर करोगे कि नहीं वो वैसा वो शायद उस लड़की को जो अदर अदर गाय वो इतना ध्यान नहीं देता होगा जैसे यू इफ

कुछ मांग लो कुछ अपनी शर्त रख दो तो तुम 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 इनसिक्योर हो रहे हो इनसिक्योरिटी के सि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है और हमको ये भी पता है कि कौन से लेवल पर जाके तुम मैनिपुलेट हो जाओगे ये सब मैं इसीलिए इट इज बेटर टू फाइंड द राइट पर्सन इफ यू डोंट गेट इट अकेले रहो अकेले रहो इनसिक्योर uh, और फिर थोड़ा कंट्रोलिंग वगैरह कर दिया ठीक है थोड़ा ऐसा एज इन कंट्रोलिंग वगैरह एज इन थोड़ा अगर अपना अपने बोला कि दिस इज माय व्यूज ऑन व्हाट दिस होल सिचुएशन तो यू आर टॉक्सिक ठीक है बोलने का निकल जाने का सबसे ज्यादा इस दुनिया का सबसे टॉक्सिक इंसान मैं हूं माफ माफ करो जाने दो तुम जियो अपना नॉन टॉक्सिक कोई मिलता है उसके साथ रहो जाने दो uh, और एक देखो ईगो और रिस्पेक्ट hmm. वो दो ऐसी चीज है ना जो बहुत रिलेटेबल है और बहुत ही सिमिलर और बहुत ही थिन लाइन है इन दोनों के बीच में ये? और पीपल गेट कंफ्यूज और अपने ईगो को रिस्पेक्ट समझ के बताते हैं पूरे रिलेशनशिप के स्पेक्ट्रम में ये ईगो और रिस्पेक्ट दे फॉल इन द ग्रे एरिया थोड़ा ऐसे कि लो तो रिस्पेक्ट नहीं लो तो ईगो हाँ ऐसा है वो तो अगर कुछ सिचुएशन है सपोजिटली हाँ, एग्जांपल अगर हाँ कोई लोग है रिलेशनशिप में ना तो किसी एक को तो अपना ईगो हल्का रखना ही पड़ेगा होगा और वो सब कब होगा जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी सामने वाले बंदे के कैरेक्टर कि चलो ये ये चीजें इसको ट्रिगर करती है ये ये चीजें ये इसको अनकंफर्टेबल करती है हुँ, हुँ, क्या हुँ, मैं केपेबल हूँ कि मैं ये सब अवॉइड कर सकता हूँ ठीक है अगर कर सकता हूँ तो फिर मैं इसके लिए सही पार्टनर हूँ फिर भी प्रॉब्लम हो रहे तो फिर सामने वाला अपना फॉल्ट में हुँ, हुँ, हुँ. ये सारी जो जो मैं ना दिस ऑल कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और वो हमको खुद जाके लेना नहीं होता

कुछ भी रहेगा डिस्कशन से मोस्ट चीजें सॉल्व हो 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 जाती इट समथिंग दैट नॉट कुछ फाइनेंशियल लॉस गया वो कल कल के कल नहीं है पेरेंट्स इन्वॉल्व गए कोई चीज में ठीक है हम उनको नहीं समझा सकते और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लाइक पेरेंट्स थिंक दैट अपने जनरेशन के लोग वैसे ही है जैसे उनके पार्टनर एंड ग्रैंड मदर आजकल जो लड़कियां है दे आर नोवेयर इन कंपैरिजन एंड लड़के भी लाइक इजी इजी मनी चाहिए हाँ। चाहिए हाँ। बंदी हाँ। चाहिए लाइफ बंदी बंदी क्या करोगे बंदी का तुम्हारे तो पास पैसे काफी है, हुँ, पर हुँ. देखो रिलेशनशिप सक्सेसफुल आर एकदम क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं कि कुछ भी हो जाए ना एक दूसरे को छोड़ना ही ऑप्शन नहीं है ठीक है अगर बात वहां तक जा रही है तो वो पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ दो पर हमको साथ में रहना और दोनों को मर्यादा में रहना और अच्छे से रहना हुँ, हुँ, बस ये मेल फीमेल ये सब वो कौन क्या करेगा कौन डोमिनेंट है कौन क्या नहीं है सब फालतू की बात है सब सब शांति में रहो बस खुश रहो शांति में रहो खुश रहो बहुत सही बहुत सही बहुत सारी कंट्रीज घुमा तो है तो कहाँ सबसे बढ़िया मजा आया घूमने जैसे सबसे बढ़िया अपने इंडिया में ही मजा आता है अच्छा हर चीज ओके. है जी मैं अपने इधर भी काफी मैं घुमा हूँ मुंबई में तो रहता हूँ पुणे गया हूँ दिल्ली गया हूँ घूमे काफी इधर उधर एक चीज मैं नोटिस किया हुँ. अपने यहाँ पे जो एक एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम भी एक्सपीरियंस कि मतलब कहीं भी जाओ कुछ भी करो खाने को मिल जाएगा घूमने को मिल तो जाएगा ठीक है कुछ तो हो जाएगा ठीक है वो कॉन्फिडेंस आपको कोई कंट्री में आने नहीं वाला अच्छा अब बाहर जाने के पहले दस बार सोचोगे कि क्या करो वेदर ये वो तो है ही और ये वो हाँ और ऐसे रहता है कि मतलब वो लोग भी वैसे उतने ये फ्रेंडली नहीं होते सब जगह पे यहाँ पे किसी को अपने वो जो वॉलमार्ट की जो ट्रॉलीज होती है ठीक है उसमें वो एक डॉलर डाल के हम वो अनलॉक करके लेके जाते हैं क्या करें इधर कोई देगा कोई नहीं खुद कभी हेल्प नहीं करा यही सेम अगर इंडिया में होता कुछ होता ठीक है भले वो दस रुपए होते या कुछ भी हो दे देता तेरे दे को कोई दे भी ठीक है पहले तो उसपे वो लॉक होता ही नहीं वो इतने स्मार्ट है कि दरवाजे के अंदर रखो ट्रॉली तो कोई बाहर ही नहीं लेके जाएगा अरे ये, ये आपने डीमार्ट वगैरह पे कहां लोग देखा कि डीमार्ट वगैरह पे चाहते हम ये रिलायंस ट्रेंड्स से वो सब जाते कहां नहीं वो होता पर नहीं पता नहीं ये लोग क्या होने वाला है मेरा तो ऐसा है कि बस अपना कोर्स चल रहा कोर्स खत्म करो फिर देखेंगे, देखेंगे सोचेंगे आराम से जो रहेगा फेट में दैट विल हैपन सही है लेकिन इतना मेरा है कि ये सब इतना जो हुआ हुआ है ना अपने जनरेशन में हाँ, वो गलत है सारा एक कुछ ये सब कुछ दिस इज गोइंग तो टू लीड नोवेयर हाँ, 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 हाँ। हाँ, ये हाँ। तो पढ़ाई तो क्या हम ऐसे ही करने आए हैं कि बहुत गलत मेंटालिटी वो... वो से नहीं होगा यहां पे तुम कौन से तुम क्या अंबानी बन जाओगे नहीं होता है बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तेरी तो हाइट बड़ी है तेरी तो बॉडी भी एकदम सही है मीन्स तो तू सिक्योरिटी में जाना ठीक है सिक्योरिटी में वो, वो, वो क्या सर्टिफिकेट ले ले और तेरे तो, 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 तो ऐसे जॉब लग जाएगी नहीं ब्रो मैं ये करने नहीं आया यहाँ पे हुँ. वहां से पैसे आएंगे नो डाउट आएंगे वहां पे टाइम मेरा ज्यादा जाएगा लेकिन मैं नहीं ये करने नहीं आया ब्रो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी के लिए नहीं आया हूँ मैं मैं इसीलिए एक अभी जो एक जॉब है वो सस्टेनेबल जॉब है वो एटलीस्ट मेरी जो लाइवलीहुड है वो कैपेबल कर रही है अभी जितना मैं रेंट वगैरह ये वो एटलीस्ट वो समाप्त हो रहा है उसमें बस ये वो, वो, साथ साथ मैं सीख रहा हूँ डिफरेंट स्किल्स जो आगे जाके अच्छी पे ऑफ जॉब देगी मेरे को तो वही ये दो साल में मैं गधा मजूरी करने तो नहीं आया लेकिन लोग आते

वो नहीं आने वाले कभी नहीं आने और एक टाइम है ठीक है वो टाइम चला गया वो टाइम वापस नहीं आएगा वो नहीं टाइम आएगा, वापस और नहीं आएगा।, नहीं आएगा, मैं यहाँ पे Amazon डिलीवरीज़ करता था आ, पहले, आ, 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 आ. एक कंपनी थी वो लेती थी बल्क में सारा कुरियर okay. और हम लोग को देते थे डिस्ट्रीब्यूट करते थे जाइक गुड जा मनी हम लोग करते थे हम लोग के दिन में बन जाते कभी बन जाते ऐसा हाँ हो रहा था लेकिन उस चक्कर में क्या हो रहा है ना तुम्हारा जो व्हीकल है वो घिस रहा है वो रहा है ठीक तुम तुम्हारी पूरा शरीर भी तुम सोचो एक दिन में दो सो घरों में जाना मजाक है मैं जा रहा था रख रहे हम फोटो खींच रहे अब कोई बिजनेस बंद है कोई घर पे है नहीं वो मगजमारी में पड़ो इधर और इवेंचुअली क्या दिन शुरू हुआ दिन खत्म हुआ मेरा खुद का डेवलपमेंट क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं मैंने कोई स्किल सीखी एक छोटी सी भी नहीं मैंने मेरा एक सो सौ डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट मेरा गाड़ी है उसको घिसवाया अपना दिन हाँ। ये तीन सौ डॉलर बनाए से सौ डॉलर या जो भी है हाँ। वो तो वापस गाड़ी में, ही जाने, वाला में ही जाने वाला है वाला हाँ। और बचा हुआ जो डॉलर उसमें क्या खाना आने वाला है ये, हाँ, ये बाकी का कुछ होने वाला बेसिक जो लगता है अपने वाला तो क्या क्या फर्क पड़ा कुछ जब करके तो कुछ और पूरा भी कैलकुलेट करोगे लोग बोलेंगे हाँ पूरे हफ्ते में तुम्हारे पैसे ज्यादा बन रहे हैं और पीआर की रिस्क बहुत ज्यादा है ठीक है द थिंग इज सोच ही गलत पीआर लेके कुछ पीआर लेके कुछ नहीं होने वाला आगे जाके पीआर मैंने काफी सारे केस सुने जिस जो पीआर है और भी जॉब नहीं लगी है हाँ। ना होगी तो पीआर तो आने ही वाला है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आएगा तो सही जॉब होगी तो लेकिन नहीं

अभी यहाँ आने के पहले दो साल तक आई वॉज लाइक सुपर फिट ठीक है हुँ, हुँ. फिर लाइफ में कुछ कुछ हुआ स्ट्रेस ईटिंग की है बहुत जोरदार एकदम वो सब अभी बाहर आ गया लेकिन अभी ना आई एम अगेन वर्किंग ऑन इट जिम जा रहे हैं कम कर रहे हैं टारगेट रखा है छह महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा हाँ, हाँ. फिर उसके बाद क्योंकि अब बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग फिट मुझे पता है कि मैं अभी आई एम नॉट एट माय ठीक है मैं अभी आई एम नॉट एट द फुलेस्ट तो वो मुझे मैं वो है कि मुझे अभी वापस वो करना, करना है, है।, सब करना है। तो इट डिपेंड्स कि तुम कौन सी चीज को एकदम टॉप पे रखते हो तुम पीआर को टॉप पे रखोगे तो तुम फिर सेल्फ डेवलपमेंट भूल, भूल, भूल जाओगे कुछ नहीं होने वाला फिर तुम्हारा हाँ। अब पीआर चलो मिल गई कल मिल गई तुमको क्या करोगे इट इज जस्ट अ परमिट टू लिव इन अंट्री

तो वो हो गया ना अब वो टाइम पे अगर मैं यूके में इसकी जगह पे ये करने बैठता कि मेरे को पांच घंटे ज्यादा मिल रहे हैं जहां पे मैं जॉब करता था मुझे ये नहीं होता था फिर टुडे आई वुड नॉट बी हैविंग दोस स्किल्स तो दिस इज लाइक द फंडामेंटल थिंग ऑफ लाइफ की द मोर यू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ द मोर लाइफ विल गिव यू मैं हमेशा कंफ्यूज रहा टुवर्ड्स न्यू एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स न्यू थिंग अराउंड अस ठीक है तो गुजरात में क्या सीन है कि एक टाइम पे सेट हो जाओ तो सही सब वरना अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा ये तो कुछ नहीं कर रहा ठीक है तो अभी आई एम ट्वेंटी फोर ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लेकिन अभी चल रहा है थोड़ा ट्वेंटी फोर चल रहा है थ्री ठीक है तो अभी इट्स लाइक एवरी वन सीज मे ओ यू हैव एंट सेटल्ड इट तो अभी आजू बाजू वाले मेरे क्या हो गए सेटल्ड सबकी जॉब लग गई सबकी शादी होने की किया ये वो जॉब अच्छी लग गई ये ये वो तो मेरी जॉब लग गई थी मैं बोला नहीं मैं नहीं काम करूंगा मैं निकल गया ठीक है उस कंपनी से ही एक साल के बाद और सब सब मेरे आजू वाले हो गए सेटल सेटल डाउन एज इन जॉब लग गई है सब अपना जो रेगुलर डे कैसे पहले कॉर्पोरेट लाइफ सुबह जाओ शाम को आओ हुँ. फिर थोड़ा जिम गया फिर फैमिली टाइम ये वो अभी मेरे अराउंड वो सब चल रहा है ठीक है तो अभी थोड़ा आ, बात हो रही है घर से ये वो प्रेशर वगैरह वगैरह कि औरत तू तो नहीं हुआ ये तेरे साथ आगे ये तेरे से पीछे तो आई एम नॉट गेटिंग दैट कि अब मैं कैसे सोच लूं ये मेरे से आगे मुझे वो कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा है हम तेरे साथ क्या हुआ है कि ऐसे एज इन इस टॉपिक अराउंड या इसके

तो so, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है तो आई डोंट मिस दैट फीलिंग समझ में तो मम्मी जॉब पे जा रही है सब वो जो भी वॉट एवर शी इज मेकिंग आउट ऑफ दैट जॉब उसमें मेरी फीस निकल रही है दादी दादा बूढ़े मेरे मामू जो है ही वाज ही इज स्टिल वेरी सपोर्टिव फाइनेंशियली इमोशनली ही इज द वन हु इज एक्चुअली आई वुड से दैट इज एन अल्फा मेल वो क्वालिटी होना चाहिए वो अगर इंसान वैसे है ना तो

ही इज डेवलपिंग हिमसेल्फ इन अ वे की वो सबके लिए कर सके ये भी एक डिफरेंस है आजकल लाइक वेन वी स्टार्ट अर्निंग इमिडियल अपने दिमाग में रहती है कि mm. थोड़ा सेव करेंगे घर के, 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 लिए, लिए, के, लिए, के लिए फिर कोई बंदी रहे तो उसको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े कुछ थिंग बट एजन गर्ल स्टार्ट अर्निंग ठीक है वो समझ में नहीं था मुझे आई एम इंडिपेंडेंट आई डोंट नीड यू

वट एंड नॉर्मल अडल्ट डे और अगर आप घर का काम देखो हम भी यहाँ पे ठीक है हम भी यूटेंसिल्स uh, uh, ये सब धोते है टॉयलेट साफ करते ये वो घर का सब करते ठीक है हमने कभी मैंने कभी ब्रैक नहीं किया इस, इस बात पे कि अरे मैं तो सब करता हूँ मुझे तो कुकिंग वुकिंग सब आती है ये वो uh, मैं मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है ये वो मैंने कभी नहीं ब्रैक किया ठीक है आई डोंट नो वाई इफ दे आर डूइंग द वॉट नॉर्मल अडल्ट बिग डील फॉर ठीक है अब अभी जनरेशन जो अभी चली आ रही है ठीक है तो हम भी ऐसे ही है कि हाँ अगर करेंगे साथ में करेंगे ये वो बट इट इट शुडन बी दैट ओनली कंसेंट और लाइक ओनली द टॉक दैट शुड यू नो एम्बरेज यू वो शॉकिंग क्यों रहता है अपने लिए क्योंकि हम उस पर्सन को प्रायरिटाइज कर रहे थे हम वो यूनिटी को प्रायोरिटाइज कर, कर रहे थे वो इमोशंस को प्रायोरिटाइज कर रहे थे फ्यूचर प्लानिंग को प्रायोरिटाइज कर रहे थे तो अचानक से ये शौकर आता है कि ये तो पैसे को प्रायोरिटाइज कर रहे थे तो कुछ अपना भी वैल्यू ही नहीं है ऐसा ये नहीं है सब हुँ. पता नहीं क्या वो लोग के दिमाग में रहता है सो मैं मामू कमिंग बैक टू ही इज लाइक वो ये सब उसने बड़ा सॉर्टेड रखा है पहले से हुँ. कि ही इज लाइक वो खुद बिजनेस भी करता है वो और फैमिली भी ठीक से उसका संभाल रहा है और एट द सेम टाइम ही इज आल्सो सपोर्टिंग हिज सिस्टर ही सपोर्टिंग मी सब hmm. चल रहा है एंड hmm. कभी भी ऐसा ही ऐसे जताते नहीं है कोई भी कुछ भी होगा ना एंड दोस क्वालिटीज नाउ दे हैव कम इन मी लाइक इफ यू हैव सी आप यहां पे मोस्ट पीपल मैंने ये चीज नोटिस की आई वोंट कॉल देम सेल्फिश और ऐसा कुछ hmm. Hmm. पर व्हेनेवर दे आर इन प्रॉब्लम वो लोग आते हैं

बहुत लोग हैं ऐसे इधर मैं बता रहा अच्छा मैंने बताने के बावजूद कुछ लोगों ने सुना एवरीथिंग गॉट ओके देयर फ्रेंड्स कुछ लोगों ने नहीं सुना problem हो गया और फिर मेरे को बोलते हैं कि तुम पहले नहीं बोले अरे मैं तो एक ही बात बोलूंगा ना पहले बोलो बाद में बोलो तुम मुझे कब अप्रोच उस पर डिपेंड करता है और चलो नहीं तुम्हारे साथ तुमने नहीं सुना मैंने जब बोला उसके बाद भी नहीं सुना फिर अभी भी क्या कर रहे हो वही कर रहे हो ठीक है अब फॉर एन एग्जाम्पल कोई इधर आया एंड ही बीन स्मोकिंग सिंस स्मोकिंग क्विट करना तो बहुत दूसरी चीजें करनी पड़ेगी ठीक है तो ये ये एक्टिविटी में खुद को डाल ले ये कर ले मेरे साथ रह ले हुँ, मैं हुँ. नहीं करता हूँ तो तू भी नहीं करेगा इवेंचुअली मैं जो कर रहा हूँ वही करता है सही, सही। लग और वो बंदा चला गया और एक महान के पास को, लेने को। <laughs> वो बंदा क्या बोलेगा <laughs> कुछ नहीं ब्रो चिल रहो एक तो जिंदगी है एक जान है अल्लाह लेगा मोहल्ला लेगा अरे अल्लाह लेगा ठीक है मोहल्ले का मजा कर लो अपना अरे बहुत रहते हैं भाई बहुत रहते हैं इधर पता नहीं इधर लोगों को कुछ ऐसा मेरे बारे में ये हो गया है रिलेशनशिप एडवाइस लेने आते हैं मुझसे मैं बोला मैं तो सबसे बड़ा ब्लंडर हूँ रिलेशनशिप के मामले में मुझसे मत जस्ट दैट आई एम हैविंग सम गुड इनफ बैड एक्सपीरियंस इसीलिए मत खुलवा मुंह तो मैं मुझे बोलना है लेकिन बाद में <laughs> एक बार हुआ था यहाँ पे ऐसा एक बंदा था नहीं, नहीं। अब आई डोंट नो आई एम नॉट मेंशनिंग नो नेम्स पर एक बंदा नहीं। था नहीं। वो मेरे पास में आया वो मेरे को बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरी बंदी है ठीक है हम लोग रिलेशनशिप में रहे नहीं, इंडिया नहीं। में चार साल अभी मैंने उसको यहाँ बुला लिया ठीक है वो टूरिस्ट वीजा पे आई अभी शी इज बिहेविंग एज इफ वो किसी और को इधर पसंद कर रही है ऐसे मतलब तो बिहेविंग कन्फ्यूजन हाँ, तो, हाँ, तो तो हाँ। कह रहा है, तो, खुद, confusion से हाँ, तो हाँ। खुद को ये कर रहा है कि वो नहीं हुआ इट तो वो बोला कि हाँ वो कर रही है बोला नहीं शायद वो मुझे बोल रही है कि वो दूसरा बंदा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा केयरिंग है वो ज्यादा ये है ज्यादा वो है मैं बोला वो कुछ ज्यादा नहीं है तू इधर स्टूडेंट वीजा पे वो इधर भी है अरे भाई <laughs> इतना ही फर्क है बस बोले नहीं नहीं मेरी बंदी ऐसी नहीं है वो गोल्डी कर <laughs> रही है वो ऐसे ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी मैं तू मान ले जाके एक बार सीधे मुंह बात कर बात कर ठीक है उस बंदे से हुँ, हुँ। बंदी जान बंदी गई अभी वो वापस लेना भी मत कराई वो बंदे से बात किया ये बंदा बोलता है मुझे पता है कि वो मेरे साथ क्यों है इसीलिए मैं उसको कभी परमानेंट नहीं करने वाला इस सब में पिसा कौन वो लड़की, पिसी। लड़की पिसी। और वाट था, लगी? वो बाटी लड़के, लड़के की वाट लड़के की बात लगी।, लगी ना पर आ, वो अभी इमोशनली डिस्टर्ब है और ये भी एक है कि अभी वो बंदी उसके पास वापस भी जाएगी ना वो लेगा वो सिम्प करेगा वो लेगा ये, ये सब जो ये अननेसेसरी है यही की बात कर रहा हूँ ये जो रिलेशनशिप में आते हैं तुम आते ही क्यों जब तुमको कुछ है ही नहीं खाली फुकट दूसरे का टाइम पैसा सब बर्बाद करके तुमको जाने का रहता है अरे छोड़ो ये सब मामले में आई थिंक इफ योर पेरेंट्स आर एडवाइजिंग यू समथिंग ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स क्योंकि हम लोग को ऐसा 100 है ये चीज है कि उनको ये पता नहीं है कि अपने जनरेशन में क्या चल रहा है ठीक है लेकिन उनको लोग कैसे है इन जनरल अंडरस्टैंडिंग है उस चीज की दे दे नो पीपल कि मतलब कौन कैसे सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेगा वो आपको बड़ा होते हुए देखे हैं तो उनको पता है कि तुम्हारी हाँ। ल, लिमिट क्या, है, क्या है ठीक है तुम क्या कर मैं, सकते मैं बहुत बहुत, बहुत सही बात पे बोलूंगा कि पेरेंट्स जो बोलते हैं है तो वो मान लो वो वो जो तय करते है ना, ठीक हाँ, है, है। तो है, तो बस यही है, आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते है और ए, मुझे तुमसे पूछना था अरे नहीं। नहीं। तुम्हारे इधर गुजरात में नहीं ऐसा कुछ नहीं हा, पूछना हा, नहीं। हा, 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 <laughs> हाँ, मुझे मालूम तो है 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 इसलिए नहीं हाँ, पूछ रहा हाँ, बोली। गुजरात में में हाँ, ऐसे कोई कोई फेमस आर्टिस्ट वगैरह लाइक इधर मुंबई अभी फिलहाल वो हिप हॉप रैप कल्चर चल गुजराती, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री नाउ इट्स बूमिंग एंड इट्स बूमिंग सो हार्ड ठीक है ये तो अगर तुमने तो छिल्लो दिवस एक मूवी आई है और मूवी आई थी बहुत सालों पहले उससे गुजराती मार्केट मूवी के लिए इतना बूस्ट हुआ है इतना बूस्ट हुआ तो दो दो सेट ऑफ आर्टिस्ट हु आर इन गुजरात वांट्स टू तो स्टे इन गुजरात एंड इंक्रीज दोस कल्चर क्योंकि देख लो साउथ में टॉलीवुड ये सब है उन लोगों की मूवीज उन लोगों की लैंग्वेज में ही देखी जाती है मुंबई वगैरह में ये सब बॉलीवुड चल रहा है ये दिल्ली वगैरह में ठीक है ये और ये सब ऊपर की ऊपर की जो पॉपुलेशन है नॉर्थ इंडियन की वो सेक्टर ही पूरी अलग है ठीक है hmm. वो डिफरेंट ऑफ पीपल डिफरेंट मीडिया स्ट्रीम्स एंड ऑल लेकिन गुजरात एक पर्टिकुलर मैं बोलूंगा कि ऐसा है कि वो सब देखते हैं हम लोग बॉलीवुड के भी उतने ही फैन है टॉलीवुड के भी उतने ही फैन है सबके उतना फैन है स्पेशल नीश एंड नाउ द बिग क्रिएटर द बिग आर्टिस्ट आर मेकिंग नीश they are working towards that so. हमारे इधर तो वही चल रहा है हिप हाँ। हॉप रैप एनीवे एमसी स्टैंड हमारे यहाँ पे सूरत में सूरत में गुजराती रैप बहुत बूम हो रहा है बहुत ही ज्यादा कोई एक इंस्टाग्राम में मैंने अभी देखा था वही सब गुजराती में जो रैप होता है ब्रो इतना <laughs> हम तो है वही दोनों बात करते रैप कर रहे लगता है मेरे को समझा नहीं आई हैव मेड गुजराती फ्रेंडशिप

वो प्रॉपर गुजरात हुआ जहाँ मीठा खाना ज्यादा होता है काठियावाड़ में 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 स्पाइसी मैं मैं जो भी बनाता हूं, मैं एक चीज में, एक चीज में भी बनाता एक एक चीज़ चीज़ खाने नहीं डालता जो शक्कर होती है शुगर मैं एक चीज में भी नहीं डालता क्योंकि हमने खाई मैंने पहले से मैंने कभी घर पे गुजराती दाल जो बनाते हैं हमारी काठियावाड़ी दाल होती है जो तीखी होती है तीखी पीली होती है लेकिन तीखी तो हमारा तो स्पाइसी रहता है तो यही है डिफरेंस मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ सब जगह की गुजरातीज़ आर नॉट मीठा खाते नहीं काठियावाड़ी मैं काठियावाड़ से हूँ राजकोट गोंडल जो उस साइड होता है आ, तो यही है समाप्त करते हैं आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल दीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर शेयर भी करें टू ऑल द व्यूअर्स प्लीज भाई का चैनल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जो उसकी ग्रोथ के लिए कर सकते हो करो कमेंट सेक्शन में तारीफ करनी है तारीफ करो आले, है, तो। है। करो <laughs> बस चैनल चैनल ग्रो होना चाहिए चैनल ग्रो होना चाहिए करेंगे साथ में करेंगे चलो बाय बाय गाइस थैंक यू